नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हम लोग उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मन में कुछ क्वेश्चंस है या मन में कुछ डाउट है, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जानना है तो मेरी गुजारिश है बेसिकली कि हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर रखे हुए हैं जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज बढ़ाएंगे और आपको भी जो मन में जो डर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वो दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चन है तो #AskTIIEM लिख के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी मच ऑफ अ प्लेजर टू गिव द आंसर ऑन दिस, राइट। मैं आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बेसिकली हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जानना है एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, हमें वो जानना है एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, हमें ये जानना है कितना एक्सपोर्ट होता है, कहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स दो तीन बताने वाला हूँ जहां से आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और कितना होता है। हाँ दोस्तों, अगर वो होता है तो आप भी आपका किसी की जरूरत नहीं है, राइट। ये सिस्टमेटिक काम है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक काम है अक्रॉस द वर्ल्ड सिस्टम कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। अगर वो थोड़ी सी आपने एक्सरसाइज कर ली तो आप प्रोडक्ट जान सकते हो कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, इंडिया से कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जा रहा है, राइट। सो मैं आपको दो वेबसाइट बताना चाहूंगा। पहली जो वेबसाइट आपको बताना चाहता हूँ वो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी commerce.nic.in, उसके ऊपर चले जाइए। वहां पे उन्होंने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक दिया हुआ है, राइट। आपको उसके अंदर एक्सपोर्ट डेटा बैंक जाओगे, उसका एक्सपोर्ट सेक्शन के अंदर जाओगे आप तो एक सर्च कीजिएगा, बेसिकली आपको आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड नंबर पता होना चाहिए। अगर आपके पास एचएसएन कोड नंबर नहीं भी है, आपको याद नहीं है, तो वहां पे सर्च ऑप्शन में जाओगे, प्रोडक्ट का नाम लिखे, नीचे आपको सजेस्टिव आपके एचएसएन कोड नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो वो चूज कीजिए और आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिकली आपका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उस प्रोडक्ट, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, मैं किसी प्राइवेट वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है और लाइव डेटा आपको वहां पर मिलता है, राइट। सो आपका जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी आपने जो भी एचएसएन कोड डाला उसके बेस पे लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 साल में कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है, कितना ग्रो हुआ है, वो आपको डेटा मिल जाएगा। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है, वो भी सारा आपको डेटा मिल जाएगा। दो चीज इंपोर्टेंट मिल गई आपको कि इंडिया से कहां कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, और कितना हो रहा है, यही आपको जानना है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी चीज के अंदर अगर बैंड होगा तो बता देगा, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, नहीं हुआ तो जीरो बता देगा, सिंपल, राइट। सो बाकी कोई जहां पे जाने की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो एक तो ये हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, राइट। और दूसरी अगर मैं साइट की बात करूं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, राइट, दैट इज trademap.org करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर भी वही जाके उसको थोड़ा सा उसकी प्रोसीजर लंबी, उसको लॉगिन करना पड़ता है आपको, तो आपको जाके लॉगिन करना पड़ेगा उसके अंदर और एक बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बना सकते हो आपका आईडी बना के, पर उसके अंदर 6 डिजिट तक आपके जो भी एचएसएन कोड होगा उसके 6 डिजिट में से बेसिक आप डालिए, वहां से आपको आप थोड़ा सा सर्व करोगे एचएसएन कोड डाल के तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो एचएसएन प्रोडक्ट है वो कौन सी और कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है और कौन सी कंट्री उसको इंपोर्ट कर रही है। यानी हमने मैंने जो पहली सोर्स बताई commerce.in वाली, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाली, वो इंडिया से कहां एक्सपोर्ट होता है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, उसकी बात की। दूसरा जो मैंने सोर्स बता रहा हूँ trademap.org मैनेज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वो जो आपको जो डेटा देगा बेसिकली वो पूरी दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को कहां कहां एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन कौन लोग इंपोर्ट करते हैं, राइट। सो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ऑलवेज, मेरा ये प्रोडक्ट डालो हैंडीक्राफ्ट कहां एक्सपोर्ट होता है, या टेक्सटाइल प्रोडक्ट कहां एक्सपोर्ट होता है, या जैगरी कहां एक्सपोर्ट होता है, या मल्टीपल प्रोडक्ट पूछते रहते हैं। मैंने आपको ये आज ये सोर्स बताया जहां से आप आपका खुद का खुद ब खुद आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहां कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चीज मिल गई, यानी आपका प्रोडक्ट हो रहा है तो वापिस वो उसके ऊपर जाते हैं कि मैं हमेशा कहता रहता हूं श्रीनी के साईं बा के जो दो नियम, यानी आपने चेक किया डेटा कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं है, वही श्रद्धा है, अब कैसे कर सकते हैं एंटर के, क्योंकि आपको सिस्टम समझे नहीं, आप सिस्टम समझ लोगे तो आप भी अच्छी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग दीजिए,
एटलीस्ट आपके जो भी पहचान वाले जो 10 लोग होंगे राइट, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके एमबी के पेज के ऊपर शेयर कीजिए, आपके इंस्टा के पेज के ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इंडिया का हर बंदा ये जान पाए, इंडिया का हर बंदा ये जान पाए कि बेसिकली एक्सपोर्ट करना है या किसी प्रो का एक्सपोर्ट करना है तो वो कहां से जान सकता है, कितना एक्सपोर्ट हो, डेटा वो सबसे तो सारा गवर्नमेंट बना के रखा हुआ है आपके लिए राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको सच में अगर कुछ हमारे लिए कुछ काम करना है और हम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करना है तो आपके एफबी पेज के ऊपर मिनिमम 10 लोगों को आप ये शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको लेके जागरूक हो और भारत का एक्सपोर्ट, हमारा जो एक मिशन है मिशन गोल्डन बर्ड का ट्रिपल एम में जो लिया हुआ है, वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे, और अगर वो जागरूकता इंडिया के कोने कोने तक आएगी तभी वो चीज हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जा सकते हैं राइट। आई एम श्योर आई हैव सेटिस्फाइड योर नीड्स। तो अभी आपको आगे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी साइट जाके कहीं पर भी जाके, ये मैंने जो दो साइट बताई उसके ऊपर जाके बेसिकली सर्च करके आपका प्रोडक्ट जान सकते हो कि कहाँ और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है राइट। सो रिक्वेस्ट करूंगा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे ये सारी अपडेट्स मिलती रहे और आप लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आके भारत का नाम आगे बढ़ाते रहे। सो आइए हम सब मिलके प्रण ले कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।